CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पुलिस द्वारा नशे के मामले में पकड़े गए 22 साला नौजवान ने हवालात में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों का आरोप है लड़के ने खुदकुशी नहीं की बल्कि पुलिस ने मारा है। मोगा पुलिस द्वारा बीती रात नशे के मामले में एक नौजवान मनी को पकड़कर पुलिस थाना सिटी वन में ले आई थी। 22 साला नौजवान को हवालात में बंद कर दिया था। आज सुबह तड़कसार 4:35 पर नौजवान द्वारा हवालात में ही कंबल को काट कर हवालात की सलाखों के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी तक बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मृतक की मां की तरफ से अपने बेटे की मौत को लेकर पुलिस विरुद्ध जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं मृतक की मां का कहना है कि परसों उसके बेटे मनी को पुलिस उठाकर ले आई थी और तब सिटी वन के SHO द्वारा ये कहा गया था अब तो मनी पर पक्की मोहर लग जाएगी। मृतक की मां ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस द्वारा ही उसके बेटे को मारा गया है। यहां तक कि पुलिस पर उसके बेटे को खाना देने के लिए 1,000 रुपए की भी मांग करने का आरोप लगा है। SHO की क्या सी जो लेके आया मुंडा पक्की मोहर लावांगा। उस तो बाद तुम्हें कदों पता लग गया जी भी मौत हो गई ओदी? मैं सवेरे पता लगा हुण ही कदों फड़या सी उनू जी इनू परसों दा फड़या ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜੀ।